हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर लक्ष्मीकांत पॉलिटी 6th एडिशन। और यहाँ पे हम अपना चैप्टर देखने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि सेंटर का स्टेट से, स्टेट का सेंटर से क्या रिलेशन है। उसके अलावा इसके अंदर स्टेट का स्टेट से क्या रिलेशन होता है, ये भी वी विल चेक इट आउट। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन है, उसके लिए एक टर्म यूज होता है, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हम जानते हैं क्या होता है, जहां पे स्टेट्स जो होते हैं वो सेंटर से क्या होते हैं, अलग होते हैं, सेंटर से जुदा होते हैं। बट हमारे यहाँ का फेडरलिज्म डायरेक्ट फेडरलिज्म नहीं है यूएसए के जैसा, हमारे यहाँ फेडरलिज्म थोड़ा अलग है। तो हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म चलता है उसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोल देते हैं, यानी कि सहयोगात्मक, सहयोग, साथ साथ चलने वाला। अब जो यहाँ पे 3 टाइप के फंक्शंस हैं जो कोई भी कंट्री के अंदर परफॉर्म होंगे, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमने ये सारी चीजें डिवाइड कर दी है। वन थिंग दैट वी हैव टू रिमेम्बर क्लियरली कि हमारा कंट्री फेडरल जरूर है, बट इट इज फेडरल विद यूनिटरी टिल्ट, यानी कि जब भी कोई गड़बड़ होगी तो जीतेगा कौन, जीतेगा यूनियन। सारी की सारी रेजिडरी पावर्स किसके पास होगी, यूनियन के पास। सो जस्ट वी हैव टू रिमेम्बर इट कि हमारा फेडरलिज्म किस तरीके से वर्क करता है। इसके अंदर आर्टिकल 245 है। 245 सिंपली क्या बोलेगा कि कौन से किस तरीके के लॉ होंगे विच आर मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट, यानी कि कौन कौन से लॉज जो हैं वो पार्लियामेंट बना सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जो कि कौन बना सकती हैं, जो कि हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज बना सकती हैं। सिंपल। अब इसको हम क्या बोल देते हैं कि टेरिटरी एक टाइप में डिवाइडेड कर दी है हमने, कि हाँ ठीक है, इस टेरिटरी में तुम लॉ बनाओगे, इस टेरिटरी में हम लॉ बनाएंगे। अगर मान लो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए, मान लो ऐसा कोई इशू आए कि पार्लियामेंट को लगता है कि जो स्टेट लॉ बना रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो स्टेट की लिस्ट में आना चाहिए, या कहीं ना कहीं सेंटर का है, या फिर कहीं ना कहीं वो बाहर का लॉ है, यानी कि टेरिटरी से, सब्जेक्ट से बाहर का लॉ है, उस केस में पार्लियामेंट इंटरवीन करके उस पे क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है। जस्ट वी हैव टू रिमेम्बर क्या है यहाँ पे, यूनिटरी टिल्ट है, यूनिट की तरफ क्या है, झुकाव है। बहुत अच्छे। तो दिस वाज आर्टिकल 245। आर्टिकल 246 क्या बोलेगा? आर्टिकल 46 मेजरली ये बताएगा कि 7th शेड्यूल में जो भी लिस्ट्स हैं उस पे कौन लॉ बनाएगा। अब 7th शेड्यूल में लिस्ट है, हम जानते हैं कौन कौन सी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पे कौन कौन लॉ बना सकता है, यूनियन लिस्ट पे सिर्फ यूनियन लॉ बना सकती है, स्टेट पे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है, बल्कि जबकि कॉन्करेंट पे यूनियन भी लॉ बना सकता है और कॉन्करेंट पे स्टेट भी लॉ बना सकता है। अब देखिए, कॉन्करेंट पे ना हमेशा ऐसा मुद्दा सा, सवाल सा क्या उठा रहता है कि यूनियन बहुत सारे मुद्दे स्टेट से उठा के बार बार कॉन्करेंट में डाल देती है। अब कॉन्करेंट में डालने का बेसिकली फायदा क्या होगा, तो जो फायदा है वो हम देखते हैं अपने अगले आर्टिकल में। सो आर्टिकल 248, आर्टिकल 248 क्या बोलेगा कि एक यूनियन का लिस्ट, एक स्टेट का लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है जी, बहुत अच्छे। पर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि कोई अदर लॉ अगर बच गया, जो ना हमने यूनियन में डाला, ना स्टेट में, ना कॉन्करेंट में, तो ऐसी जो रेजिडुअरी पावर्स है ना, बची हुई पावर्स, वो किसके पास है, वो है यूनियन के पास। एक तो ये, दूसरा कॉन्करेंट में जो भी चीज है जिसपे मान लो लॉ बनाने का हक दोनों को है, यूनियन को भी स्टेट को भी, तो इस किसी भी मुद्दे पे मान लो यूनियन ने भी लॉ बना दिया और स्टेट ने भी लॉ बना दिया। अब एज अ सिटीजन मैं तो परेशान कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं किसका लॉ मानूँ,
इस केस में यूनियन शैल प्रिवेल. सो यूनियन क्या है? यूनियन अगर आ जाए टकराट में किसकी? स्टेट की. तो स्टेट और यूनियन का लॉ अगर टकराएगा तो यूनियन क्या करेगा कि स्टेट चूर चूर हो जाएगा. सिंपली यूनियन का जो लॉ होगा वो क्या करेगा, वो प्रिवेल करेगा. अब इसके अंदर एक चीज़ आप ये देखिए कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है वो काम स्टेट में ही हो रहा हो. मान लो वो काम हो रहा है, कोई भी स्टेट ले लो, आपने मान लिया तमिलनाडु, ठीक. अब वो काम स्टेट में हो रहा है और स्टेट लिस्ट का भी ऊपर ऊपर से कह सकते हैं वो स्टेट लिस्ट का ही पार्ट है. बट चार ऐसी कंडीशन होती हैं, फोर कंडीशंस, कि अगर इनमें से यूनियन को कुछ भी लगे कि इन चारों कंडीशन में से कुछ भी प्रिवेल हो रहा है, तो वो लॉ जो होगा ना वो स्टेट नहीं बनाएगा. वो लॉ कौन बनाएगा? वो बनाएगा यूनियन. अब चार वो कंडीशन कौन सी हैं? बहुत ही बेसिक सी चीज़ है. चार कंडीशन में आएगा आपका 249, फिर आएगा 250, ये 249 है, 249, 250, 252 एंड 253. अब देखिए 249 में क्या सिंपली बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो नेशनल इंटरेस्ट में है, कोई भी ऐसा मुद्दा जो किस में है, नेशनल इंटरेस्ट में. 250 में क्या आएगा? कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जो होगी 250 में आएगी. 252 में अगर रिक्वेस्ट किया है टू और मोर स्टेट्स ने, मान लो स्टेट्स ने ही बोल दिया कि भाई आप ही बना दो, तो उस केस में भी यूनियन बना सकता है. और 253 होता है आपका कोई भी अगर इंटरनेशनल मैटर हो रहा है, कोई भी इंटरनेशनल मैटर हो रहा है, तो उस केस में चाहे वो इंटरनेशनल मैटर स्टेट से ही रिलेटेड हो, चाहे इंटरनेशनली कोई उन्हें मशीन बनानी है, कोई भी काम मान लो उन्हें तमिलनाडु में करना है, तो वो तमिलनाडु से बात नहीं करेंगे, वो सीधा सेंटर से बात करेंगे, वो सीधा इंडिया से बात करेंगे. सो चार ऐसी चीज़ हैं जो जिसपे हमेशा ही यूनियन लॉ बनाएगा. 249, 250, 252, 253. 249 डीलिंग विद नेशनल इंटरेस्ट, 250 डीलिंग विद इमरजेंसी, 252 डीलिंग विद रिक्वेस्ट व्हेन मेड बाय टू और मोर स्टेट्स, 253 ऑफ द इंटरनेशनल मैटर. सो 249 इज नेशनल इंटरेस्ट. मान लो कोई भी ऐसी चीज थी जो नेशनल इंटरेस्ट में, अब नेशनल इंटरेस्ट क्या है, नोवेयर डिफाइंड, कहीं डिफाइंड नहीं है, बस ये लिखा हुआ है कि जो भी चीज नेशनल इंपॉर्टेंस की होगी वो. अब मान लो नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई चीज है, ये डिसाइड कहाँ पे होगा, कौन बताएगा कि हाँ ठीक है. कोई भी स्टेट था, मान लो असम में कोई काम हो रहा था, असम में चाय का काम हो रहा था, और कहीं ना कहीं इस पे कोई ऐसा लॉ बनना था जो नेशनल इंटरेस्ट में लग रहा है, तो ये फैसला करने की जिम्मेदारी होती है राज्यसभा की. व्हाई? बिकॉज राज्यसभा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, हर स्टेट से इसके अंदर मेंबर वगैरह होते हैं. तो राज्यसभा क्या देखेगा, जो इसका राज्यसभा होगा कि हाँ ठीक है यार ये तो लग रहा है नेशनल इंटरेस्ट का, तो राज्यसभा में फिर मोशन मूव होगा. और अब ये जो मोशन होगा, ये मूव होने के बाद इसे पास होना पड़ेगा बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. अगर ये जो भी जने थे इसमें से 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है इस मोशन को, देन ये वाला जो मोशन है ये भागते भागते जाएगा पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट से कहेगा पार्लियामेंट भैया ये स्टेट का लॉ नहीं है, ये अब इसमें पार्लियामेंट लॉ बनाएगी. एंड पार्लियामेंट इस केस में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि हाँ हमारे पास ही सारी पावर है, ठीक. सो इस तरीके से 249 में नेशनल इंटरेस्ट में जो भी चीज़ होगी उसके लॉ बनाए जा सकते हैं. देन 250 इमरजेंसी. इमरजेंसी का मतलब क्या है कि जब भी इमरजेंसी लग रही होगी, जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, तो ऑब्वियसली बात है सारी की सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है, यूनियन के हाथ में. तो जो भी स्टेट लिस्ट के भी सारे जो मुद्दे थे ना
उसका काम या उसका कानून कौन बनाएगा? उसका कानून सिंपली पार्लियामेंट बनाएगी। बिकॉज क्या लिखा है आर्टिकल, एक आर्टिकल है हमारा 355। आर्टिकल 355 में लिखा है कि इट इज ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया। तो इंडिया को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी यूनियन की, तो यूनियन को लगा भैया स्टेट में अच्छा तो कुछ चल नहीं रहा, तभी यहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है, तो अब इसके लॉ हम बनाएंगे। तो वापस से पार्लियामेंट इस केस में क्या हो जाएगी? वापस से पार्लियामेंट यहाँ पे हो जाएगी एक्सट्रीम पावरफुल। सो दिस इज अवर पार्लियामेंट, और इस केस में भी वो पावरफुल हो जाती है। तो 249 नेशनल इंटरेस्ट, 250 इमरजेंसी, देन कम 252, टू और मोर स्टेट्स। दो बार दो है तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, 252, टू और मोर स्टेट। मान लो दो या दो से ज्यादा स्टेट खुद पार्लियामेंट के पास आएंगे। ये स्टेट है, मान लो ये बिहार था और ये यूपी था, ठीक। बिहार और यूपी दोनों बहुत परेशान थे, इनका कोई ऐसा मैटर था जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, तो ये बिहार प्लस यूपी मिलके पार्लियामेंट के पास गए। पार्लियामेंट का मतलब क्या? पार्लियामेंट का मतलब यूनियन के पास गए और यूनियन से बोले, यूनियन यूनियन तुम तो बहुत समझदार हो, तुम हमारे लिए ना ये इस मैटर पे लॉ बना दो, हम बहुत ज्यादा परेशान है। देखो हम तो इतने परेशान है कि हमारी तो आंखों से आंसू ही बंद नहीं हो रहे। तो पार्लियामेंट कहेगा, अरे वाह तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हम लॉ बनाएंगे। तो पार्लियामेंट क्या करेगा? इनका लॉ बना देगा, ठीक। बहुत अच्छी बात है, पार्लियामेंट इस केस में पावरफुल हो गया। पर मान लो थोड़ा टाइम बीता, वक्त गुजरा, 3-4 साल हो गए। अब जो बिहार था और जो यूपी था, उसको लगा यार अब तो ठीक है, अब सब बढ़िया है, अब ये जो लॉ बनाया था ना पार्लियामेंट ने हमारे लिए, चलो इसे हटा देते हैं, अपनी अपनी स्टेट लेजिस्लेचर बिठाओ और इस लॉ को हटा दो। क्या स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के इस लॉ को हटा सकती है जो पार्लियामेंट ने बनाया था? आंसर इज अ बिग नो। जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया था उसको रिपील करने का अधिकार किसका है? सिर्फ पार्लियामेंट का। तो अगर स्टेट चाहती है कि लॉ रिपील हो, तो इन्हें वापस से पार्लियामेंट के पास ही जाना पड़ेगा। तो अगेन पार्लियामेंट क्या हो गई इस केस में? एक्सट्रीम पावरफुल। ओके, सो दिस वाज 252। देन कम्स 253। 253 मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी है। इंटरनेशनल जो भी इंटरनेशनल का मुद्दा होगा, एनीथिंग एनीथिंग बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, वो हमेशा पार्लियामेंट अपने हाथ में रखेगी। क्योंकि इस देश के बाहर ना आप स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इस देश के बाहर आप एक पूरा कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आप एक पूरा यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स वाई इंटरनेशनल पे जो भी सब चीजें रहेगी, ये सारे मुद्दे किसके रहेंगे? ये सारे मुद्दे कंट्री के रहेंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई इनकंसिस्टेंसी हो गई, इनकंसिस्टेंसी इन द सेंस कि स्टेट का अपना कोई लॉ था, ठीक है, और बाय चांस 253, 252, 250 या 249 में से जो पार्लियामेंट था उसने भी एक लॉ बना दिया, वो भी इसी मुद्दे पे, तो अब दिक्कत क्या है कि स्टेट का लॉ चलेगा कि पार्लियामेंट का लॉ? तो हमेशा 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 अगर स्टेट और पार्लियामेंट, स्टेट या यूनियन की लड़ाई होगी, तो हमेशा कौन जीतेगा? हमेशा जीत होगी पार्लियामेंट की। तो ऐसे केस में पार्लियामेंट की ही पावर ज्यादा मानी जाएगी। तो इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी द यूनियन लॉ शैल प्रिवेल। 254 में एक चीज है कि 254 सिंपल यही चीज कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है आपकी, उस पे जो भी मुद्दे हैं दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, यूनियन भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। बट अगर लड़ाई हो गई कोई, तो जीतेगा कौन? तो जीतेगा सिंपली यूनियन। अब इसमें एक चीज, जैसे पता कैसे चलेगा यूनियन को कि स्टेट कोई ऐसा लॉ बना रहा है? मान लो यूनियन ने ऑलरेडी एक लॉ बना रखा है, ठीक है, या फिर नहीं बना रखा बट वो स्टेट में नहीं आता है, स्टेट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, तो गवर्नर के पास जब वो पास होने के लिए जाएगा, तो वो पार्लियामेंट को बोलेगा कि पार्लियामेंट सर जरा चेक करना इसे, हमें लग रहा है कि ये आपके टाइप का लॉ है। तो पार्लियामेंट कहेगी, अरे नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बनाने दे से, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो पार्लियामेंट कहेगी, यस ये तो मेरे टाइप का ही लॉ है। उसके बाद फिर पार्लियामेंट का ही जो लॉ होगा वो प्रिवेल होगा, स्टेट का लॉ यहाँ पे पास ही नहीं होगा। सो कई बार क्या होता है कि मान लो ऐसा स्टेट ने कोई लॉ बनाया
और गवर्नर ने पार्लियामेंट के पास भेजा, पार्लियामेंट ने कहा नहीं यार, अरे कुछ कुछ गड़बड़ नहीं है, ये वाला लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है यही लॉ है, हमने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया। बट मान लो सरकार चेंज हो गई, और जब सरकार चेंज हुई तो उन्होंने कोई और लॉ बना दिया जो इस लॉ के खिलाफ था। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर यूनियन पे और स्टेट में सेम पार्टी होगी तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे, बट अगर यूनियन और स्टेट में डिफरेंट पार्टीज रूल कर रही होंगी तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हमें मेजरली देखने को मिलते हैं। जैसे दिल्ली में बहुत ही मुद्दे उठते रहते हैं, जो केजरीवाल सरकार है, जो आपकी सरकार है, उनको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है कि यहाँ पे ना सेंटर का इंटरफेरेंस जो है ना कुछ ज़्यादा ही है। बट ऑल्दो उनकी भी बात सही है और जो यूनियन है उसकी उनकी भी बात सही है कि भाई दिल्ली कोई स्टेट थोड़ी ना है, दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया एंड दिल्ली इज यूनियन टेरिटरी। सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मुद्दे हैं जो डेली डेली उठते रहते हैं। सो बेसिकली ये वाली चीज़ थी आपकी आर्टिकल नंबर 254 के अंदर। अब एक और चीज़, जैसे मान लो कोई मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, और मिस्टर एक्स ने कोई भी काम किया, कोई भी वर्क किया, मान लो इन्होंने वर्क किया एग्जाम्पल मनी लेंडिंग का, ठीक है। अब मनी लेंडिंग करके जो भी सब चीज़ें हुई, इन्होंने एज अ सिक्योरिटी कोई भी प्रॉमिसरी नोट लिया, ठीक। अब जो मनी लेंडिंग है वो तो स्टेट की लिस्ट में है, पर प्रॉमिसरी नोट ये यूनियन की लिस्ट में है। अब ऐसे में कौन प्रिवेल होगा? तो पहले तो प्राइमा फेसिया में लगता है कि यूनियन होगा, बट फिर बात जब ये सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं ये चीज़ डिसाइड कर सकते, ऐसे तो स्टेट पे कुछ पावर ही नहीं रहेगी। आप ये देखो मिस्टर एक्स काम क्या कर रहा है, तो मनी लेंडिंग का काम कर रहा है, तो जो उसका मेजर काम होगा ना, जो भी उसका मेजर वर्क होगा, वही से डिफाइंड होगा कि ये स्टेट का मुद्दा है या यूनियन का मुद्दा है। तो इस केस में मनी लैंडिंग स्टेट में है तो ये किसका मुद्दा है, ये स्टेट का मुद्दा है। और तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो वो फिर हमारा भाई सब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। देन कम्स आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का बेसिकली क्या मतलब है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस मीन्स कि एक तरीके से जो स्टेट है उसको यूनियन की सारी बात माननी पड़ेगी, यानी कि यूनियन कौन, यूनियन यहाँ पे है बड़ा भाई, और स्टेट कौन है, स्टेट हमारा छोटा भाई है, ठीक है, और ऐसा छत्र छाया में है ये यूनियन की। सो आर्टिकल 256 में ही सिंपली ये बात लिखी हुई है। आर्टिकल 256 कहता है कि इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है एवरी स्टेट की शैल शो एक्सरसाइज टू इंश्योर कंप्लायंस with the law made by parliament and any existing laws which apply in that state and the executive power of the union shall prevail. यानि कि सिंपल वापस वही बात कि यूनियन और स्टेट में अगर बराबरी की लड़ाई है, एक ही मुद्दे पर लड़ाई हो रही है, तो यूनियन जीतेगा। बट हाँ ठीक है, कुछ केसेस जैसे अभी हमने ये वाला देखा था मिस्टर एक्स वाला, ये सुप्रीम कोर्ट में केस जा सकते हैं, बट इन्होंने सिंपली ये बोला कि स्टेट को एक तरीके से साथ में रह के काम करना पड़ेगा। मान लो स्टेट ने मना कर दिया, स्टेट ने कह दिया कि हम नहीं मानते, हम तो अपना ही लॉ प्रिवेल कराएंगे, पार्लियामेंट कौन होता है अपना लॉ प्रिवेल कराने पे। तो ऐसे में याद है एक एजेंट बैठा है सेंटर का, वैसे बोलना नहीं चाहिए एजेंट है, लेकिन सेंटर के एक एजेंट के नाम से कौन बंदा फेमस है, गवर्नर। अब गवर्नर कहेगा अच्छा बेटा तू अपना लॉ प्रिवेल कराएगा, पहली बात तो मैं ये लॉ पास नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं साइन ही नहीं करूंगा। दूसरी चीज कि अगर आप ये लॉ प्रिवेल करोगे तो मेरे पास ना एक पावर है चिट्ठी लिखने की। कैसी चिट्ठी लिखूंगा? मैं सिंपल एक लेटर लिखूंगा कि यहाँ पे ना स्टेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, एनआरकी वगैरह छा रही है, तो प्रेसिडेंट सर आप ना प्लीज एमरजेंसी लगा दो क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। सो यहाँ पे 356 यानी कि प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो अगर स्टेट तुम प्यार से मान रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अगर हमें हथियार वगैरह उठाने पड़ गए तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। सो सिंपली 256 कैन अट्रैक्ट 256 कैन अट्रैक्ट 356। बेसिक सी बात है।
देन आर्टिकल 257, आर्टिकल 257 क्या बोलता है हमें कि कोई भी चीज अगर नेशनल इंटरेस्ट की हो जाती है तो देयर इज कंट्रोल ऑफ यूनियन मोर देन स्टेट. कैसे? जैसे एग्जाम्पल हो गया आर्मी, एग्जाम्पल हो गया नेवी. भाई अगर उत्तर प्रदेश में आर्मी लगी हो तो उत्तर प्रदेश की आर्मी थोड़ी हो गई, तो कंट्री की आर्मी है ना. पता चले उत्तर प्रदेश ही विद्रोह कर दे कि ना जी ना, अब तो पूरे इंडिया पे हम रूल करेंगे. तो आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, रेलवेज हो गया, ये सब किस में आ जाएगा? आपका आर्टिकल 257, इस टाइप की सारी की सारी चीज़ें. देन कम आर्टिकल 258. आर्टिकल 258 क्या कहता है कि जो एक तरीके से यूनियन है ना, वो अपनी थोड़ी बहुत पावर फॉर सम टाइम स्टेट को दे सकता है. अब स्टेट में वो किसे देगा? स्टेट लेजिस्लेचर को? ना ना ना, वो अपने ही बंदे को देगा, यानी कि गवर्नर को, कि भाई अभी मैं जरा इधर उधर काम पे बिजी था, जब तक तू देख तू ये काम संभाल और तू ये लॉ बना सकता है. तो सिंपली 258 में ये वाली बात कही गई है. देन कम्स मेजरली इंपॉर्टेंट आर्टिकल 262. 262 में बेसिकली देयर कम्स इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट. ये तो बहुत ही सब चीज़ें मुद्दे में रहती हैं जब एक ही नदी दो या तीन स्टेट में बहती है तो. सो पार्लियामेंट क्या कर सकता है? इसके ऊपर लॉ बना सकता है, और लॉ बना के वो उसमें ये चीज़ बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम लॉ बना रहे हैं, तो जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी. जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी. कब इंटरफेयर नहीं करेगी? जब ये लॉ बन रहा होगा. ऑल दो जुडिशियल रिव्यू तब भी मौजूद है, रिव्यू हो सकता है, बट हाँ इंटरफेरेंस नहीं होगा. सो यहाँ पे पार्लियामेंट उनके लिए लॉ बना सकती है, पर पार्लियामेंट से पहले अगर वो दोनों स्टेट्स अपने आप ही सब चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहें तो 263 के अंदर वो इंटर स्टेट काउंसिल्स बना सकते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल्स. और अगर आपस में ही मुद्दा सॉर्ट आउट हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपका जो यूनियन है वो तो है ही है. सो जो सेंटर स्टेट रिलेशन था हमारा चैप्टर, यहीं तक था ये. इसके अंदर आप लक्ष्मीकांत से ये चैप्टर रीड कर सकते हैं, एंड आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. सो थैंक यू सो मच.